आदमी शादी जीतेगी, वो काम करेगी, काम करने वाली महिला है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है। ये भाई वीरेंद्र को भी सोचना चाहिए कि महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आप देखिए ना, कैमरों पे ये सब बातें होती हैं, कैमरों पे होती है तो पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड का और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो डिसीजन है उसका मान ही नहीं है, फिर तो सब आपस में ही बांट ले खेल ले। पटना की पाटलिपुत्र सीट को लेकर आए आरजेडी मुखिया लालू यादव के दोनों बेटों के इन्हीं बयानों के बाद एक बार फिर इन कयासों ने जोर पकड़ लिया कि लालू की पार्टी और परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। तेज प्रताप के तलाक मामले के चलते परिवार में अनबन की खबरें पहले से ही थी। हमेशा साथ दिखने वाले दोनों भाइयों की महीनों से मुलाकात भी नहीं हुई थी। ऐसे में इन चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया कि लालू के दोनों लालों के रिश्तों में दरार आ चुकी है और अब इसी दरार को पाटने की कोशिश शुरू हुई है। महीनों बाद तेज प्रताप अपने छोटे भाई तेजस्वी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। तेज प्रताप यादव के तलाक के मामले के बाद दोनों भाइयों के बीच ये पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात के जरिए दोनों भाइयों ने ये संदेश देने की पूरी कोशिश की कि उनके बीच कोई दुराव नहीं है, सब कुछ ठीक है। तेज प्रताप ने इस मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की, जिनमें तेजस्वी बड़े भाई के पैर छूते और आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। यह मुलाकात कृष्ण और अर्जुन का मुलाकात है। इस मुलाकात से जितने भी बिहार में दुश्मन है या देश भर में दुश्मन है वो धराशायी हो जाएंगे। हाल के दिनों में कई ऐसे मौके आए जब दोनों भाइयों की मुलाकात होते होते रह गई। तेज प्रताप ने तेजस्वी से मिलने की पहले भी दो बार कोशिश की थी, लेकिन उनकी तेजस्वी से मुलाकात नहीं हो पाई थी। तेजस्वी अपने जन्मदिन पर भी दिल्ली में तेज प्रताप का इंतजार करते रहे थे, लेकिन वो वृंदावन से मिलने नहीं पहुंचे। विधानसभा सत्र के दौरान भी जब तेज प्रताप सदन से निकल गए तब जाकर तेजस्वी विधानसभा पहुंचे थे। हालांकि इस मुलाकात से ये संदेश देने की कोशिश की गई कि दोनों भाइयों के बीच अब सब कुछ ठीक है। इस मुलाकात के बाद पाटलिपुत्र सीट मामले को लेकर तेज प्रताप के सुर भी नरम पड़ते नजर आए। अभी उस सब चीज पर कोई डिस्कस नहीं करना, उसे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो तय करेंगे कौन क्या होगा। लालू के दोनों बेटों ने इस मुलाकात के जरिए ये जताने और बताने की पुरजोर कोशिश की कि उनके परिवार और पार्टी में कोई घमासान नहीं है, लेकिन जेडीयू ने आपसी मेल और भाईचारे की इन तस्वीरों के संदेश को खारिज करते हुए एक बार फिर लालू परिवार पर तंज कसा है। तो सब कुछ खुलकर सामने आ गया, परिवार की कोशिश है कि तेज प्रताप को दबाया जाए और दबा करके मनमाने तरीके से जो चीजें की जा सकती है वो किया जा सके, लेकिन जहां भी वंशवादी राजनीति के आधार पर फैसले होते हैं उसके साइड इफेक्ट्स इसी तरह के दिखे। विरोधी भले ही लालू के परिवार में सब कुछ ठीक ना होने का दावा करें, लेकिन फिलहाल तो तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच मुलाकात की इन तस्वीरों के जरिए यही साबित करने की कोशिश की जा रही है कि दोनों के बीच चल रहा शीत युद्ध थम गया है। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच बढ़ते विवाद को खत्म करने की कोशिश की गई है। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से बात नहीं हो पा रही थी और यही वजह थी कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दोनों भाइयों की तरफ से ऐसे बयान आ जा रहे थे जिससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं दोनों भाइयों के बीच विवाद है, और यही वजह रही कि तेज प्रताप यादव ने आज तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पर कहा है कि विशुद्ध रूप से ये राजनीतिक मुलाकात थी और इस मुलाकात को कृष्ण अर्जुन की मुलाकात कहा जा सकता है। कृष्ण अर्जुन की इस मुलाकात से जितने भी उनके देश में विरोधी हैं वो धराशाही हो जाएंगे। तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पर कहा है कि दोनों भाइयों के बीच में राजनीतिक बातचीत हुई है और साथ ही साथ ये भी बातचीत हुई है कि पार्टी और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। क्योंकि दो दिन पहले तक लगातार पाटलिपुत्र लोकसभा सीट को लेकर के जिस तरह से तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बयान कंट्राडिक्टरी आ रहे थे, उसके बाद ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं दोनों भाइयों के बीच में तनाव बढ़ता जा रहा है और ये तनाव लालू प्रसाद के लिए और उनके परिवार के लिए कहीं ना कहीं चिंता की बात थी। और फिलहाल इस विवाद को खत्म करने की कोशिश की गई है और तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। तस्वीरें जारी हुई हैं जिसमें तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप
के पैर छुए हैं, जिसके बाद से ये माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार में जो शीत युद्ध चल रहा था, जो गृह युद्ध चल रहा था, वो कहीं ना कहीं अब थम जाएगा। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना।